नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बीती रात एक भयावह तस्वीर नवादा से निकलकर सामने आती है, जहां नवादा में आगजनी का कांड हो जाता है। दरअसल दबंगों द्वारा लगभग 100 से अधिक दलित घरों को जला दिया जाता है, जमीन से जुड़ी ये मामला बताई जा रही है। दरअसल बताया जा रहा है दो दलित गुट में ये लड़ाई होती है, जिसके बाद महादलित गुट को दलित गुट द्वारा ऐसे जो है उनके घरों को आग लगा दी गई है, उनके घरों को जला दिया गया, जिसके बाद अब बिहार में राजनीतिक बवाल छिड़ गया है। एक तरफ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार से सवाल पूछा, एनडीए सरकार से, केंद्र की मोदी सरकार से सवाल चाहे तो भला इन सब के बीच उनकी बहन यानी रोहिणी आचार्य पीछे कैसे हटती। रोहिणी आचार्य आए दिन भले ही वो सिंगापुर में रहती हैं, बिहार में नहीं रहती हैं, लेकिन बावजूद इसके वो आए दिन बिहार को लेकर के एक्टिव रहती हैं। बिहार में हो रही हर घटनाओं पर, हर तस्वीरों पर उनका बयान निकल कर सामने आ जाता है। अब लालू प्रसाद यादव की दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य ने नवादा आगजनी कांड पर भी बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। ट्वीट के जरिए रोहिणी क्या कुछ कह रही हैं वो आपको दिखाएं। तो देखिए, आप इस वक्त आपके स्क्रीन पर जो ट्वीट स्क्रॉल कर रहा है वो रोहिणी का है, जिसमें लिखती हैं, नीतीश कुमार जी की अगुवाई वाली दलित विरोधियों के गठबंधन की सरकार के शासन में दलितों के दमन की ये कोई पहली घटना नहीं है। दलित उत्पीड़न पर जीरो टॉलरेंस की खोखली बातें करने वालों के शासन में इसी वर्ष दर्जनों ऐसी घटनाओं को बेखौफ होकर उपद्रवियों के द्वारा अंजाम दिया गया है। दलित महिलाओं, युवतियों, छोटी उम्र की लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं हाल के महीने में हुई है। दलितों के घरों में घुसकर हथियार के बल पर युवतियों व कम उम्र की लड़कियों को जबरन उठाया गया है और उनकी हत्या कर दी गई है। हाल ही के महीने में दलितों की जमीन पर कब्जा करने की मंशा से दलितों के साथ मार पीट व बल प्रयोग की कई वारदातें सामने आई हैं। आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि बिहार की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में दलितों की स्थिति में निरंतर हास्यक हो रहा है और दलित उत्पीड़न के मामले भी में भी वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ रोहिणी और लिखती हैं और कहती हैं, दलित उत्पीड़न पर सिर्फ दिखाओ बयानबाजी करने वाले एनडीए गठबंधन की नीति और नियत हमेशा से दलित विरोधी ही रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के समतामूलक समाज व शासन की अवधारणा बिहार के साथ साथ एनडीए शासित तमाम राज्य में तार तार हो रही है। और साथ ही साथ एक जो है एक तस्वीर भी रोहिणी ने शेयर किया है, जिसमें ये जो 21 घरों को फूका गया है नवादा में, उसकी तस्वीर जो है वो रोहिणी ने साझा किया है। तो देखिए, पहले भाई तेजस्वी का बयान आता है, फिर बहन रोहिणी का बयान आ जाता है और दोनों भाई बहन मिल करके सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं और मोदी सरकार पर हमलावर होते हैं। रोहिणी ने ये भी कह दिया कि केंद्र की मोदी सरकार हो या चाहे बिहार की नीतीश सरकार हो, ये लोग दलित विरोधी हैं और ये लोग हमेशा से दलितों के खिलाफ रहे हैं। क्या कुछ रोहिणी का कहना है ये हमने आपको दिखाया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल।